सो फ्रेंड्स, अभी हम द कश्मीर फाइल्स और सिकारा मूवी, जो दोनों मूवी कश्मीर की ट्रू स्टोरी बेस्ड है, उन दोनों मूवी का अंतर बताएंगे। जब सिकारा मूवी 7 फरवरी 2020 को रिलीज हुआ था, तब मूवी के इंटरव्यू में मूवी का डायरेक्टर जो वीडू विनोद चोपड़ा है, उनको एक कश्मीरी पंडित ने चिल्ला चिल्ला कर बात करते हुए नजर आए थे। और इसका एकमात्र कारण था कि वीडू विनोद चोपड़ा ने बहुत सारे चीजें जो हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हुआ था, सब सच्चाई मतलब ना के बराबर दिखाए गए थे और बहुत सारे सच्चाई तो छुपाई गई थी। लेकिन इस वाले मूवी में द कश्मीर फाइल्स के प्रीमियर में पता चला कि बहुत सारे ट्रू स्टोरी यानी वास्तविक घटना को दिखाया गया है, जो एक्चुअल में कश्मीर में हिंदुओं के साथ हुआ था। और प्रीमियर में बहुत सारे कश्मीरी पंडित जो ये वाला द कश्मीर फाइल्स मूवी देखकर रोते हुए भी नजर आए हैं, क्योंकि फाइनली अभी हिंदुस्तान के सारे जनता को एक्चुअल ट्रूथ को दिखाए गए हैं और महसूस कर सकते हैं वो सारे सच्चाई। और इसी फिल्म द कश्मीर फाइल्स की वजह से जाने माने न्यूज चैनल एनडीटीवी भी एक्सपोज हुआ नजर आया, जहां कश्मीर फाइल्स का डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री ने डिस्क्लोज किया है कि कुछ दिन पहले जर्नलिस्ट ने उनको बताया था कि कश्मीर फाइल जो मूवी है उसके बारे में एनडीटीवी की एक पेज ने प्रोपेगेंडा मूवी बोल के आर्टिकल पोस्ट करी थी। और विवेक अग्निहोत्री का मानना था कि इंडिया में व्यक्ति के अलावा उस वक्त कश्मीर फाइल्स कोई नहीं देखा था, तो कैसे एनडीटीवी वाले प्रोपेगेंडा मूवी बोलकर आर्टिकल पोस्ट कर सकते हैं। और उसके बाद एनडीटीवी वालों ने वो पोस्ट डिलीट भी कर दिया। और विवेक अग्निहोत्री ने बाद में ये क्वेश्चन भी किए, अगर वो पहले सच लिख रहे थे तो बाद में हत्या, और अगर हत्या भी है तो मतलब वो खुद प्रोपेगेंडा कर रहे थे। और इसी तरह एनडीटीवी वाले और एक बार एक्सपोज हुआ नजर आए। सो फ्रेंड्स, वीडियो देख के आपको इसके ऊपर क्या विचार है वो बताएं कमेंट सेक्शन में। और इसी तरह वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल fact.tv.com। मिलते हैं और एक नया वीडियो के साथ। टिल देन, जय हिंद, वंदे मातरम।